आज हमारे स्कूल में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे नए प्राकृतिक क्राफ्ट को लिया है। यह हमारे 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। हम जैसे टेबल पे देख सकते हैं कि हरे रंग का यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। ये क्या है? ये सुबह आज बच्चे, हम सब लोगों ने इसको जंगल में उगे हुए देखा है और ये बच्चे इसको एक दूसरे के ऊपर चिपका रहे थे, खेल खेल कर रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने कहा कि हम लोग मैडम इसका तो बहुत सामान बना लेते हैं। तो ये बच्चों से जब हमने उनको एक टास्क दिया कि आप लोग बना के लेके आइए, तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बच्चे बना के लाए हैं। इनकी क्रिएटिविटी है। तो हम शुरू करते हैं, पहले हमारे साथ है समरीन। समरीन, आपने क्या बनाया, दिखाइए। बतख बनाई। कैसे दिखाओ? इसके इसमें जोड़ने में कोई गोंद का प्रयोग किया जाता है? नो मैम, अपने आप चिपक जाता है। ठीक है, तो कितना टाइम लगा आपको बनाने में? 10 मिनट। हमारे साथ आफरीन खड़ी हैं। आफरीन, बहुत अच्छा। देखिए हम लोग गुलदस्ता, गुलदान कुछ भी ढूंढते हैं। इन्होंने उसका टोकरी पूरी शेप दिखाओ इसकी, ऐसे करके ऐसे शेप दिखाओ। हाँ, ये देखिए बुके, हम बड़े बड़े महंगी जगह पे बुके लेके जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर एक तरीके से एक ये प्रेजेंटेशन है इनका, और इसके अंदर फूल लगाए हैं। और इसी प्रकार से ये डलिया बनाई है। ये डलिया किसने बनाई थी? आरिबा ने बनाई थी। आरिबा इस समय जा चुकी हैं, तो इसलिए आरिबा की डलिया है। अभी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तो बिल्कुल ही मन को मोहने वाली चीज़ें बनाई हैं। ये इन्होंने अपना नाम बताओ पहले। प्रशांत। प्रशांत ने शिवलिंग, कोई मान सकता है कि हम इस चिटचिटा जो ये बच्चे खेल के लिए प्रयोग करते हैं उससे शिवलिंग बनाया, बहुत सुंदर। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर भी, ये शिवलिंग ये किसने बनाया बीच वाला? सौरभ ने। ये हमारा सबसे क्रिएटिव छात्र सौरभ, उठाओ हाथ में बेटा सौरभ, जरा अब हम इसको पास से देखेंगे। ये देखिए शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर नाग भी बनाया है और पूरी तरीके से बढ़िया शेप देने की कोशिश की है। एक प्राकृतिक संसाधन से बच्चे जोड़ रहे हैं, जो हम लोगों को टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स का बताया गया है कि हमें प्रकृति से बच्चों को जोड़ना है, बहुत सुंदर। इधर यह एक और डलिया बनी है, टोकरी बनी है। ये टोकरी किसने बनाई है? ये भी आप हैं? सौरभ नहीं, आप ही ने बनाई है। तो शिवलिंग और ये डलिया बहुत ही मास्टरपीस हैं दो बिल्कुल हमारे पास। इधर आगे और डलिया टोकरी बनी हुई है, ये किसने बनाई है? आपने बनाई है, नाम बताओ अपना। कोमल, कक्षा 7। कोमल कक्षा 7 ने भी डलिया बनाई है, अभी फटाफट ढाक के फूल लेकर आई थी लगाने के लिए इसमें, बहुत सुंदर। और ये डलिया किसने बनाई है? रोशनी, आ जाइए रोशनी, आगे आइए। हाँ रोशनी, और एक बात मैं बताऊंगी, उठा लो, एक बात मैं बताऊंगी कि ये सारे जो चिटचिटे तोड़ के लाने का कार्य रोशनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रोशनी बहुत सारे लेकर आई है बच्चों के लिए और आप लोगों ने उनकी मदद से बनाया है। चलो भाई, अब जो है एक फूल सौरभ शिवलिंग पे रख दो, जरा ले लो शिवलिंग पे रखो, जरा देखें सुंदरता बनते बनेगी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों का क्रिएटिव वर्क है, पास से भी देखिए कितना सुंदर है, मन को मोहने वाला। जीरो, कितने पैसे लगे इस पे? निवेश है, बहुत सारे लाखों रुपए लगे? नहीं बिल्कुल, कितना मुफ्त में बिल्कुल। और खेल खेल में देखिए बच्चों ने कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत ही खुश कर देने वाला। और प्राकृतिक चीज से बनाया है, वो चीज जो कि खेलने के लिए बच्चे प्रयोग करते थे, एक दूसरे पे चिपकाने का खेम करते थे, आज इन्होंने उसका आउटपुट निकाल के दिया है, बहुत ही सुंदर बेटा। थैंक यू।